हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है AW स्नैप, तो आप इजीली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको जो है तो आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है गूगल क्रोम। उसके बाद राइट क्लिक कर ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर गूगल क्रोम का एप्लीकेशन है, आप इसको राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड, इस बॉक्स में आपको चेक करना है। यहाँ पर ये विंडोज़ 8 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको जो है गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स में चेक करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गूगल क्रोम की ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है डिलीट हो जाएगी। फिर आप गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप रन कमांड ओपन कीजिए। शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है msconfig। इस तरीके से सर्च कर आपको एंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्विसेज टैब में आने के बाद हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इस बॉक्स में आपको चेक कर यहाँ पर डिसेबल ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।